barbecue. वेस, क्या कर रहे हो आप? ये देखो फौज है पूरी. हम पता है जंगलों में ना आइडिया कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट. वेलकम टू अनदर वीडियो. तो आज हम आए हैं डकसुम, जो कि वादी कश्मीर का एक आखिरी गांव है, क्योंकि इसके बाद सिमथन टॉप करके आप किश्तवाड़ पहुंचेंगे. और यहाँ पे इस खूबसूरत जंगलों में आपको ये हट्स मिलेंगे टूरिज्म के, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं. थोड़ा सा अगर चार्जेस की बात करें, 4000 रुपीज़ पर हट है. और हम एक पूरी टीम आई थी, तो पैसों की उतनी टेंशन नहीं थी. सुबह का वक्त है, मैंने सोचा ये बेस्ट टाइम है एक्सप्लोर करके लिए डकसुम को, क्योंकि मॉर्निंग में रश भी कम रहेगा, खूबसूरती अपनी शबाब पर होती है. मेरे साथी सोए हुए हैं, तो मैं अपने साथी कैमरा के साथ चल दिए. तो डकसुम वादी बरंग साउथ ऑफ कश्मीर में पड़ता है, एक नाकाबिले यकीन और अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है. ये देखिए आप कहाँ पे हमने अपना रात का स्टे किया. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. सुबह के 7:30 का वक्त होना चाहता है एंड सी द फॉरेस्ट कवर, इट इज़ अमेजिंग. तो मैंने सोचा सुबह की जो ब्यूटीफुल खूबसूरत नज़ारे हैं आपको दिखाते हैं, चले और ख़ुद भी देखें, क्योंकि मैं पहली बार डकसुम को एक्सप्लोर कर रहा हूँ. बिल्कुल अनप्लान ट्रिप थी. 3:30 बजे कुछ मुझे फ़ोन आया कि आपको चलना है. अगर मेरे पास मसरूफियत नहीं होती है तो आई एम ऑलवेज अ ट्रैवलर एंड ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल. लविंग द एम्बियंस हियर इन डकसुम, अमेजिंग. यू कैन सी द फॉरेस्ट कवर, इज़ ब्यूटीफुल. और जो कल रात को बारबेक्यूज़ यहाँ पे किया था ना, नाकाबिले यकीन मंजर थे, वो आप वीडियो में आगे देखेंगे. सो इट वॉज एन अमेजिंग स्टे हियर. सो इफ़ यू आर रेडी लेट मी टेक यू दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल जर्नी, गेट दिस ब्यूटीफुल डे स्टार्टेड. तो फाइनली आप फ्रेंड्स आए हैं और यहाँ पे हमने हट किया है. उसकी रेट वेट आपको मैं बाद में बताऊँगा कैसे क्या सिस्टम है रेट शेट का, पर अभी थकावट बहुत हुई है. तो ये रात के सीन से ऑफ कोर्स डकसुम आपको सुबह देखने को मिलेगा. लेट्स गो. हे अस्सलाम वालेकुम भाई. झूठे हमें फंसा दिया खान. अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक. सर ठीक खुश पर सर तुझ बस ठीक है? वाह तो ये बुझस लेके ए खान साहब, हाउ आर यू? तो ये हैं हमारे होस्ट मुनीर साहब. दिस इज द महफिल, ये महफिल. चाय लंच कुछ और इंटरेस्टिंग होगा तो वो दिखाएंगे आपको. और इंशाल्लाह सुबह वी विल एक्सप्लोर डकसुम एंड ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद फ्रेंड्स. तो 9:30 का टाइम है, नमाज हम पढ़ेंगे. कैंपस से किबला देखेंगे पहले कहाँ की तरफ है. वेस्ट 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 वेस्ट, यहाँ की तरफ किबला है. कसर पढ़ेंगे, घर से काफ़ी दूर है. थोड़ा सा आपको टूर भी देंगे यहाँ का. ये देखिए तो ये हमारे कुछ साथी यहाँ पे, मसरूफियत है इनकी कुछ. ये हमारा यहाँ पे किचन एरिया है, आई थिंक अ गुड बेड. और दिस इज़ द मेन जो भी लॉबी है. ये एक और बेडरूम है, क्योंकि हम 10-15 बंदे आए हैं. ठीक है, पूरा लकड़ी का है. और यहाँ से वॉशरूम है. और माशाल्लाह हियर वील हैव अवर नमाज. तो टाइम फॉर सलाह, नमाज के बाद डिनर. चांदनी रात, ये खूबसूरत समा, कश्मीर की वादियाँ और उसके ऊपर बारबेक्यू. ठंडी हवाएं चलती हुई भाई, इसको घी लगा रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं भाई. अभी देख लगाओ तड़का. अनफॉर्चुनेटली हमने इन्हें तो ला ही नहीं, पर आपको तो एंजॉय कराएंगे. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर एंड हियर दे हैविंग बारबेक्यू. थोड़ा सा लेट हुआ डिनर को. ये है जी हमारे खाने के सीन. 11:30 माशाल्लाह, ये जो वाजवान है मजा ही सा. भारतल बिस्मिल्लाह. माजिद भाई मजा आई है? बहुत मजा आया, माशाल्लाह. लेट्स हैव इट. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. मगर चेक होता टाइम है कैमरा से. 12:30 का वक्त है और ये हमारे साथ कुछ अजीज श्रीनगर से यहाँ आए थे डकसुम. भाई लोग मजा आ गया?
तो बहुत मजा, सर्दी काफी है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अभी सोने की तैयारी है, सुबह इंशाल्लाह रहमान डक्सुम को एक्सप्लोर करेंगे। खाना बड़ा जबरदस्त था, दावत थी हमें यहाँ पे आज, तो महदीन साहब हैं यहाँ पे, रियाज भाई हैं, तो आपसे इस वक्त रुख्सत लेंगे। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको अभी इसके बाद मॉर्निंग के नज़ारे दिखाएंगे हम डक्सुम के। गुड नाइट गाइस। तो बैक टू मॉर्निंग, अभी तक आप अगर वीडियो में जुड़े हैं तो कल रात के सीन्स देख रहे थे। कल हमने यहाँ पे एक छोटे से ढाबे पे चाय पी थी, और ये डक्सुम का गांव है, और यहीं से किश्तवाड़ को जाते हैं। हम काम करेंगे, हम उस नदी की तरफ जाएंगे, जंगल के आगे एक नदी है, तो एक्सप्लोर देर। बट ब्यूटीफुल विलेज है यहाँ पे डक्सुम में, अनएक्सप्लोर्ड है, लेस क्राउडेड है, और मौसम इंतहाई खूबसूरत। तो जैसे गाँव का रूटीन होता है, मॉर्निंग में अपने कैटल्स को शेफर्ड्स की तरह लेते हुए लोग, जैसे इस पर मैंने एक सेपरेट सा वीडियो बनाया, आप देखिए। तो यहाँ से कुछ हल्के फुल्के रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, ढाबे हैं, दिस प्लेस इज डेवलपिंग, तो कैन हैव योर फूड ओवर हियर। मॉर्निंग में निकलने का फ़ायदा है, बिल्कुल मैं अकेला निकला हूँ, और देखिए क्या खूबसूरत सी जगह मैंने एक्सप्लोर की। एक्सप्लोर करने को उतना वक्त नहीं लगा, क्योंकि बिल्कुल जहाँ हम रुके हैं वहीं पर एक नदी बहती हुई है। आप कैंपिंग कर सकते हैं डक्सुम में, आई बिलीव कि कैंपिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि खुली फिजाओं में रहेंगे। पर हम बहुत सारे बंदे थे तो हमने प्रेफर किया कि हट में स्टे करें। ये देखिए, वाह माशाल्लाह अमेजिंग। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, इस खूबसूरत से पानी में हाथ मुंह धो लेंगे, क्योंकि यू विल फील रिफ्रेश, सच एन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैं थोड़ा सा हाथ मुंह धो लूँगा। वाह आह, क्या जबरदस्त पास वेज है, वेरी नाइस। लेट्स सी, काश मेरे दोस्त भी नींद से उठे होते और ये चीज़ें देख लेते। चलो कोई नहीं, आप हमारे साथी, और हमें ये कोशिश करना है क्रॉस करने की। ये देखिए, यही चीज़ें ना आपको आप भी जगहों के अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से जो हम शहरों में देखते हैं, बिल्कुल नायाब, और आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपको एक बड़ा सा दरख्त जो कि गिरा पड़ा है इस नदी के बीच में, ये क्रॉस करना है। वाओ, इट्स फन, इट्स थ्रिलिंग एंड इट इज़ अमेजिंग। लेट्स गो। एक ह्यूज नोमेड्स का यहाँ से काफला गुजरता हुआ। अगर आप फार्मर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फार्मर ट्रैक करना चाहते हैं, तो डक्सुम आपका बेस कैंप हो सकता है। फार्मर को दो तीन जगहों से एक्सप्लोर किया जा सकता है, सिम्फन टॉप से, डक्सुम से, और वादी मड़वा से। और एक बड़ा सा काफला यहाँ से हमारे बकरवालों का जाता हुआ, तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपको देते चलें। फार्मर इज़ वन अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव एवर बीन टू, और डक्सुम आप बेस कैंप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको कुछ 6 से 7 घंटे का ट्रैक करना है फार्मर की तरफ। तो बैक टू ग्राउंड ज़ीरो। तो ये था कुछ अर्ली मॉर्निंग के मंजर वादी डक्सुम के। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त अपने मसनदों से ऊपर उठ चुके होंगे, बट आई हैड रियल फन, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लोर करने का मौका मिला डक्सुम को। सुबह सुबह यहाँ पे हमने स्टे किया था। तो अब काम करेंगे, विल हैव ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएंगे, नहाएंगे,
और उसके बाद वी स्टिल हैव अ डेज टाइम टू एक्सप्लोर डक्सम। मेरे दोस्त थोड़ा सा आलसी आलसपन के शिकार हैं, उम्मीद करता हूँ वो जग जाएंगे, नहीं तो हम आप और हमारा कैमरा आपके साथ कहानी बता दे जाएंगे। ब्रेकफास्ट करना एक चैलेंज हो गया है, हमें पूरे इन मंकीज़ ने घेर लिया है चारों तरफ से, पर अभी तक बहुत खामोशी से बैठे हैं, बट दे हैव एनसर्कल अस। मज़ा आ रहा है भाई लोगों को। तो ये हमारी गैंग थी, वी आर हैविंग टी ब्रेकफास्ट। चाय काफ़ी लेट भी है ब्रेकफास्ट, तो अभी एक खूबसूरत यहाँ पे एक टूरिस्ट हैंगआउट जगह है, तो लेट्स सी कैसा मज़ा आएगा। पर लश ग्रीन पाइन ट्रीज, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, और यही रोड आगे जाके सिमथन पास और देन आप किश्तवाड़ वैली को जाते हैं। तो ये यहाँ पे हम आए हैं, आप देखिए एक खूबसूरत सी नदी बहती हुई इन पाइन ट्रीज के बीच में। दिस इज लाइक द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। लक्ष्म में बैकड्रॉप में आप देखेंगे बहुत सारे लोग पिक्स ले रहे हैं। अब हम करेंगे थोड़ा सा एक्सप्लोर, थोड़ी सी पिक्स। ये है हमारी गैंग, तो नाउ वील ट्राई टू एक्सप्लोर अ बिट एंड हैव फन। इमिस नाउ मेनिस यारस यू वॉस चाहन वीडियो वस मज यून फिर तो पन तारो बड़ प्यारा नासन कुछ ऐसी लतीब साहब उड़ी पेट हाँ उड़ी से डाक्सुम से तो ये चल रहा है फोटोग्राफी का सेशन। ये हमारे मॉडल्स हैं यहाँ से। वाह बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप देखिए ये एक टनल की शक्ल में पाइन ट्रीज हैं, उनके बीच में एक खूबसूरत सी नदी, और दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ डक्सुम। ठीक है, काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं फ़ोटो उठा रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा बहता हुआ, और जहाँ आप नज़र दौड़ा सकते हैं ना वहाँ पे आपको पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे। दिन खतरों के खिलाड़ी तो मदीन यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी था, ये ना दाव लगी आराम से तो वाओ हल्के है ना, हम तो नहीं कर पाएंगे, बट ही इज सुपरस्टार। ओ माशाल्लाह जबरदस्त वेरी गुड। तो ये है कुछ फाइनल सीन डक्सुम के, एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है, आप थोड़ा सा लोग आने लगे हैं। आई बिलीव कैंपिंग के लिए आपको यहाँ पे आना चाहिए, बहुत ही तो आपको एम्बियंस एक नाकाबिल यकीन मिलती है, लेस क्राउडेड है, और मौसम यहाँ का आबहवा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमने स्टे किया था हट्स में, जैसे कि मैंने कहा 4,000-4,000 रुपीज़ वो हट का लेते हैं। नाउ हम थोड़ा सा फिर हमने एक्सप्लोर किया डक्सुम को, और यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए यही है पाइन ट्रीज, स्ट्रीम्स, ट्रैकिंग के लिए अच्छी जगह है, फार्मर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम बंदे भी साथ हैं तो वो फोटोज दे रहे हैं। ये डक्सुम से जो स्पॉट है जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, ये कुछ 5-1 किलोमीटर का सफ़र होगा डक्सुम से। मोबाइल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, इंटरनेट और फोन ही चलेगा, चाहिए किसको, जब हम नेचर में है ना यू पार्टी नीड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेक श्योर आप शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट प्लेस एंड विद अ डिफरेंट वीडियो, एज यू से इन कश्मीरी व्यू फॉर द सवाल।